शाहतलाई क्षेत्र में रह रहे गरीब बेसहारा प्रवासी परिवारों की मदद के लिए मणि महेश लंगर सेवा समिति शाहतलाई के पदाधिकारी आगे आए हैं। आपको बता दें कि शाहतलाई में चैत्र मास के मेलों को लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार के लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए भेलपुरी, गोलगप्पे आदि का व्यापार करने पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन होने के उपरांत अपने गंतव्य तक जाने में असमर्थ रहे। काबिले गौर है कि क्षेत्र में कामकाज ना होने के चलते अब उन्हें खाने के लाले भी पड़ना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते मणि महेश लंगर सेवा समिति शाहतलाई ने लॉकडाउन होने के उपरांत दोपहर का खाना बनाकर करीब 500 से 600 लोगों को खाना खिलाया है। जब इस संदर्भ में मणि महेश लंगर सेवा समिति के उपाध्यक्ष चुनीलाल कतना से बात की तो उन्होंने बताया कि इस समिति के प्रधान एवं नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ब्रिजलाल के आदेशानुसार ही लंगरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लंगर के कमेटी के वे आभार जताते हैं जिन्होंने संकट की घड़ी में बेसहारा व प्रवासी लोगों को दोपहर का खाना मुहैया करवाया है। नगर कमेटी शाहतलाई की तरफ से 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बेसहारा के लिए 700 का खाना बांटे जा रहे हैं। और इस समय जो बाहर के दुकानदार है, गोलगप्पे वाले, पूरी वाले और कोई मनियारी वाला जो बाहर गए उनके लिए, जो स्थायी दुकानदार उनके लिए खाना खिलाते एक टाइम का।